नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हम जो हमारा पार्ट दो है, दया की जीत, ठीक है, इसका हम रिवीजन करेंगे, दोहरान कार्य करेंगे, ठीक है। बेटा कल मैंने आपको इस चैप्टर के शब्दार्थ लर्न कराए थे, मौखिक किया था हमने, ठीक है, आप सभी ने लर्न कर लिए होंगे आई होप। तो बेटा आज हम इसके प्रश्न उत्तर दोहरान करेंगे, ठीक है। देखते हैं, हमारा प्रश्न पहला है, राजज्योतिषी ने बच्चे के विषय में क्या कहा, है ना। जब राजा के बच्चा हुआ था तो राजा किसे बुलाता है, राजज्योतिषी को बुलाता है ना, क्या जानने के लिए, बच्चे का भविष्य जानने के लिए। तो देखते हैं वो ज्योतिषी जो आते हैं वो बच्चे के भविष्य के बारे में क्या कहते हैं। राजज्योतिषी ने बच्चे के विषय में कहा कि महाराज, यह बच्चा बड़ा होकर राजा तो बनेगा, पर यह राजपाट छोड़कर मानव सेवा व जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा, है ना। क्या कहा ज्योतिषी ने कि बच्चा राजपाट नहीं करेगा, है ना, जो राजमहल में राजा बनके राजा जिस तरीके से राजपाट करता है उस तरीके से यह बच्चा राजपाट नहीं करेगा, यह क्या करेगा, मानव सेवा और जीव सेवा करेगा, है ना। हमने कहानी पढ़ी है, हमें पता है ऐसा ही होता है वो सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ ने घायल हंस की देखभाल कैसे की। हम सभी को पता है, हमने पढ़ा है चैप्टर, हंस घायल हो गया था, है ना, देवदत्त ने उसे तीर से मारा था और जब सिद्धार्थ बाहर बगीचे में घूम रहे थे तो वो घायल होकर नीचे गिर गया था, तब सिद्धार्थ उसकी देखभाल करते हैं। कैसे करते हैं, सिद्धार्थ हंस को गोद में, सिद्धार्थ ने, सॉरी यहां पर ने आएगा, सिद्धार्थ ने हंस को गोद में उठाया व उसके पंख से झट से तीर निकाला और अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर हंस के घाव पर लपेटा। ऐसा ही किया था सिद्धार्थ ने, जैसे ही हंस नीचे गिर जाता है वो उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लेते हैं और जब जो उसका तीर होता है उसके पंख के अंदर उसे फटाक से निकाल लेते हैं और उसके जो घाव होते हैं उस पे अपने अंग वस्त्र, मतलब जो उन्होंने अपने अंग पे जो वस्त्र डाला हुआ होता है उसे फाड़ते हैं और उसके घाव पर लपेटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा ने सिद्धार्थ के हक में फैसला क्यों दिया, ठीक है। हम सभी जानते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा है, सिद्धार्थ ने हंस को बचाया था ना। राजा ने सिद्धार्थ के हक में फैसला इसलिए दिया क्योंकि सिद्धार्थ ने घायल हंस को बचाया व उसकी देखभाल की, है ना, उसे बचाया, उसकी देखभाल की, उसके घाव पर पट्टी करी थी उन्होंने। राजा का कहना था कि भक्षक से रक्षक महान होता है, है ना, भक्षक से रक्षक, भक्षक मतलब मारने वाले से जो बचाने वाला होता है वो महान होता है, इसीलिए राजा ने सिद्धार्थ के हक में फैसला सुनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट हमारा है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। बेटा आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा इस कहानी से, है ना, देखते हैं इसका आंसर। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे मन में जीव जंतुओं के प्रति प्रेम व संवेदना का भाव रखना चाहिए तथा घायल पशु पक्षियों की देखभाल एवं सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है ना। ये पाठ पढ़ के हमें भी सिद्धार्थ की तरह बनना चाहिए, है ना, हमें जो घायल पशु पक्षी है उनकी सेवा करना हमें अपना धर्म समझना चाहिए, उनके प्रति हमारे मन में दया का, प्रेम का भाव होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये सारे चार क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनका मैंने रिवीजन करा दिया है, आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। आई होप आप सभी को ये आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।